finally, Vivi. एयरपोर्ट लास्ट टाइम जो मैंने दिखा नहीं पाया था, यहाँ से आउट है देन दिस इज सच अ ब्यूटीफुल स्टार शेप, दैट्स नाइस। यही वाला एयरपोर्ट है लास्ट टाइम नरेंद्र मोदी भी नमस्ते करे, नमस्ते अंकल पापा, पापा बोलूँ दादाजी, हमारे दादाजी, हम सबके दादाजी। टाइम टू गो, वही वाला जगह, चप्पल नहीं हूँ मैं। What's up, hair dava? This is your DJ Sushmi. So again, मैं आ गई हूँ यहीं पर। First time जैसे आते समय जो confusing हुआ था, इधर से उधर क्या कैसे करना है, X, Y, Z, और इज्जा मेरे को बस आराम से ठीक है, याद है मुझे कहाँ जाना है, मुझे यहाँ पर क्या होता है। So this is the things. फिर मैं आ गई हूँ हैदराबाद। ओ यस, अभी ऐसा लग रहा, उस टाइम जो लग रहा था ना, टोली दैट कहीं आ गया हूँ मैं X, Y, Z, अभी लग रहा है कि हाँ बस इंडिया में ही हूँ, अपनी जगह आ रखा हूँ। सो यप, अभी मैं जा रही हूँ अपने होटल की तरफ एंड आज रात के इवेंट से, और यप जाके सोएंगू। मैं यहाँ पर घाव भी रखता है, मुझे पता नहीं क्यों होता है, बट होता रहता है। हमेशा लिप्स में ना मेडिसिन खाओ कुछ हो जाता है एलर्जी, थर्ड मुझे दवाई बिल्कुल सूट नहीं करता है। इफ़ आई टेक एनी काइंड ऑफ मेडिसिन वो मुझे सूट नहीं करते, और अच्छी बात है मुझे दवाई खाना बिल्कुल नहीं पसंद। अब मेरे पे घाव हो गया, दर्द तो होता है, इसलिए मैंने माउथ मास्क खरीदा 500 रुपये का दो, ठीक है 500 रुपये का दो मास्क खरीदा है मैंने। देखो ऐसे छुपा के अपने चेहरा, ऐसे छुपा के अपना चेहरा आया मैं, कोई देखे ना मुझे प्लीज। आई डोंट नो ये क्या लिखा है, बट होटल का नाम यही है गाइस, और अच्छा है, ठीक है चलते हैं। This is the things. Oh, this is nice. कहाँ है मेरे भैया? भैया मुझे भूल गया था, भूल गया मुझे, मैं तो देखते ही लग गया था। पक्का इसी चीज का रूम का चाबी है, got it. Let's go. सामान को पहले डालो। Oh mama, this is my room. Thank you, भैया. Thank you so much. Table so nice, colorful. It's so yellow. Let me see here. क्या है? Oh mama, कितना ऊपर आ गए रे। मैं तो सो बिगर, इतना ऊपर है, 5 फ्लोर है। अच्छा है, कोई आ रहा है, लेट्स सी। यप, ओह थैंक यू, थैंक यू भैया, थैंक यू भैया भैया। ओ मम्मा टाइल्स कितना क्यूट है, कलरफुल है यार, सही है। अरे ये मेरा वॉशरूम, और ये मैं हूँ आपके सुष्मी। क्या करूँ समझ में नहीं आता, नींद पूरा नहीं हुआ। इट्स सो नाइस, स्मेल गुड टू। हम ये देखो ये क्या है, कवर्ट में, कवर्ट में वो डालना भूल गए वो लोग मेरे ख्याल से, तो सीधे ये रख दिया, और ये किस जिसको भी छोड़ना है देख लो यहाँ रखा है छोड़ लो। सही है यार, कवर्ट का वो दरवाजा वरवाजा सारा कुछ नहीं है, ये सही है, मतलब कि पैसे का सेफ्टी भी और प्लस लुक वाइज भी अच्छी लग रही है ना, अच्छी है, मुझे तो अच्छी लगी। यहाँ हम बैठ भी सकते हैं, टेबल भी बन गई तुम्हारे लिए, कपड़े रखने की जगह भी हो गया, और हो सके तो तुम प्रेस भी कर सकते हो अपने कपड़े, और सही है पोल डांस भी कर सकते हो अगर कोई पतली लड़की है तो। कूल, ओ मम्मा थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, कड़ी धूप है बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे मस्त वाला, थक गया मैं, नहा ही धोएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, शाम को पार्टी करेंगे, पार्टी करेंगे। आई एम वेयरिंग दिस वन, ये ड्रेस मैंने कब से लिया था बट मैंने पहना नहीं था, और मैं इसे बन के जा रही हूँ विद माई दिस ब्यूटिफुल अनकम्फर्टेबल हील्स। मम्मा
नहीं पहन के ठुमका लगा के जाना है, ठुमका लगा के ठुमका। तो या इसको हम थोड़ा फोल्ड कर लिया क्योंकि ज़्यादा लंबा हो रहा था कंसोल में। थोड़ा सा प्लेट करते समय इस चीज़ का कृपया करके मैं ध्यान रखती हूँ। क्या बोलना भी नहीं आ रहा है। ये ड्रेस कब से पहनना चाहती थी बट थैंक गॉड फाइनली आज अच्छी लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। पता नहीं आप लोगों का कैसा लगा, अगर कैसा भी लग रहे हो अच्छा या बुरा कमेंट्स मी राइट नाउ, अभी इसी वक्त करो ठीक है। फिर इसका सारा वीडियो भी देखते रहना ब्लॉग। और हाँ कल सुबह मेरी फ्लाइट है, यहाँ से मैं जा रही हूँ रायपुर। तो मैं रायपुर में इवेंट्स है एंड आई एम सो मच एक्साइटेड। सी यू, बताती हूँ क्या क्या होता है। ओके लेट्स गो। इवेंट्स खत्म हो गया और बहुत अच्छा गया जैसे आपने देख लिया होगा। कैसा गया कैसे नहीं गया वो आप लोग फीडबैक दे देना। जितने लोग आए थे और बहुत थक गई हूँ, मेरा हील्स ने मेरा पैर दबा दिया बहुत खतरनाक, दर्द हो रहा है। देखो दर्द हो रहा है, हील्स क्यों पहनना पड़ता यार। बट यस आई थिंक आई एम लुक सेक्सी एंड गॉर्जियस एंड ब्यूटीफुल। पेट अंदर बढ़िया। I love black as usual. So, अभी आराम से सामान चेक करते हैं, सारे पैकिंग करके रखना है। कल सुबह फिर से फ्लाइट है यहाँ से। कहाँ जा रहे हैं हम एवरीबॉडी? हम जा रहे हैं रायपुर, राय उगाने के लिए। आ जाना राय खेत में, उगाते हैं ऐसे ऐसे करके ठीक है। तो कल मिलते हैं सब लोग ओनली एट आई थिंक EDL मतलब ईट ड्रिंक एंड लव, इसका फुल फॉर्म ये था। तो अभी कल हम वहाँ मिलते हैं। ओके मेरा ब्लॉग बैक टू बैक देख लेना, मतलब कंटिन्यू कर लेना ठीक है। मैं थक गई हूँ, सामान रखती हूँ और मेकअप सारे उतार के पैकिंग करके मैं सोना चाहती हूँ। गुड नाइट गाइस, अभी कल सुबह देखता हूँ क्या होता है। पीस, गुड मॉर्निंग करके ठीक है। लव यू, लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल, डोंट फर्गेट। आप एक लाइक करोगे सब्सक्राइब करोगे और मेरा बेल अकाउंट एक क्या बोलते हैं वो दबाओगे तो मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा गाइस। छोटी बहन दोस्त जो भी एक्सपेक्टेड समझ के करना कर देना ठीक है। थैंक यू, गुड मॉर्निंग। सो फाइनली मैं ऑलरेडी उठ गई थी, उठने के बाद आई ऑर्डर माई ब्रेकफास्ट एंड ऑलरेडी हैड, क्योंकि रात में मैंने कुछ खाया नहीं था, मन नहीं थी क्योंकि मैंने बिरयानी खा लिया था दिन के टाइम पे एंड नथिंग मच। अभी निकलना है एयरपोर्ट के लिए, 4 बजे की फ़्लाइट है मेरी अराउंड 4:10 की। यहाँ से मैं जा रही हूँ, आपको बता रखा है रायपुर। तो रायपुर में हम मतलब मैं जा रहा हूँ। तो अभी सब कुछ खा, ब्रेकफास्ट हो गई है, रात को खाया नहीं था, तैयार हो गई हूँ, पैकिंग हो गई है। रात को सो नहीं पाया थोड़ी सी, आई कॉन्ट स्लीप कम्फर्टेबली बट क्योंकि अकेले सोना पड़ता है ना यार, कम ऑन अकेले सोता हूँ तो यार डर तो लगता ही लगता है ना। तो सुबह करीब आराम से सोया, अब उठी हूँ, अभी चलते हैं ठीक है। सब लोग अपना ध्यान रखना एंड हैप्पी शिव यात्री, मुझे थोड़ी बोलना नहीं आता, आई एम सॉरी फॉर दैट एंड सी या आप लोग सबको थैंक यू। अभी चलते हैं, मतलब मैं जा रहा हूँ कंटिन्यू। ओके सो टाइम टू गो, चलते हैं। चलो चलो चलो, फाइनली मैं निकल चुकी हूँ और अपने एयरपोर्ट के लिए इट्स ऑलमोस्ट 1:10 हो चुका है। यहाँ से मैक्सिमम 40 मिनट्स लगेंगे पहुँचने तक एयरपोर्ट में, तो क्योंकि ट्रैफिक होगी दिन के टाइम पे और रात के टाइम पे और मॉर्निंग के टाइम पे होता नहीं है। तो नाउ जल्दी जल्दी चलते हैं फालतू में विदाउट वेस्टिंग टाइम, क्योंकि वरना फिर फ्लाइट छूट जाएगा, जाना है फटाफट। गेट नंबर 101, 2, 3, अम्मा।
मतलब ऊपर से एक दो तीन से हैं और मेरा गेट नंबर है 107। माय गॉड कितना बड़ा ज़्यादा गेट है ये, इसमें तो इंटरनेशनल दिल्ली का भी नहीं होगा जितना यहाँ पर गेट नंबर है 107। बाप रे बाप, इंटरनेशनल एयरपोर्ट में भी इतना नहीं होगा। अभी रायपुर पहुँच चुके हैं गाइस, ऑलमोस्ट इतना 7:20 है क्योंकि फ़्लाइट ऑलमोस्ट 20 मिनट्स लेट था, 20 या 25 मिनट्स। और अंकल ने बहुत देर चलाया ऊपर, लगता है ऊपर ट्रैफिक मिल गया होगा, इतना देर चलाया, घुमाते रहते ऊपर। मैम सीधे सीधे नहीं जा सकते क्या फ़्लाइट के लोग, अंकल जो चलाते हैं पायलट्स अंकल, लेकिन घुमाना है ऊपर एक ही राउंड, दो दो बार घुमाते, एक न कभी पर नोटिस करना, कहीं समुंदर होगा ना कभी कभी ना वो घुमा के ना वहीं पर लेके आता है। भैया लोग ऐसे लोग हैं, मतलब पायलट्स लोग घुमाते रहते ऊपर ऊपर। मैं बोलता अभी तो यहाँ से ले गए थे, अभी वहीं से लेके जाते, मतलब होता है थोड़ी बहुत नोटिस लगती है। फाइनली पहुँच गया, पता नहीं बैग कब तक आएगा। यही है क्या, नंबर भी नहीं पता मुझे। मामा आ गए रायपुर आफ्टर लॉन्ग टाइम के बाद। फाइनली गाड़ी मिल गई है और मैं आगे बैठ गई हूँ। अब जा रहे हैं जल्दी से होटल, तैयार होके फिर से निकलना है फटाफट इवेंट्स के लिए। और बस अंकल ने लेट करवा दिया, फ्लाइट वाले अंकल ने, कुछ नहीं वरना टाइम हो जाता अच्छे से, रेस्ट भी थोड़ा बहुत कर लेती, लेकिन नहीं करना, बट कोई बात नहीं, चूँकि काम करना भी ज़रूरी है तो अभी चलते हैं। ओ यस लेट्स गो, हेलो रायपुर, सबको जिंदाबाद, सुष्मी आ गई है। क्या बोलता रहता हूँ मैं, लेट्स गो, दिस इज रिसेप्शन एंड दिस इज द होटल। चलते आज मैंने भैया को बोला, भैया ने ये भी उठा दिया मेरा बैग, अच्छी बात है। आपका नाम क्या भैया? मेरा नाम कृष्णा मैम। कृष्णा, कृष्णा भैया ने मेरे को हेल्प कर दिया। ये भी चलते ऊपर, जल्दी तैयार होकर निकलना है। हमारा रूम है ना, टेरेस में मैम स्विमिंग पूल, स्पा, जिम वगैरह है ना, जैसे आप नीचे आएंगे तो जी प्रेस कीजिएगा, ठीक है, इसके लिए डन। ये जी मैम, क्या क्या थोड़ा लाइटिंग का कम है इसीलिए, कोई नहीं, थैंक यू, कोई बात, थैंक यू सो मच, वेलकम मैम। इतना अच्छे से भैया ने मेरे को समझा रहे हैं मुझे, थैंक यू। आपके पीछे पीछे मैं आऊँगा ना। proper. Thank you so much, sir. कुछ है या नहीं है? Oh my God, what a beautiful view. Oh mama, see guys, you can see.
प्लीज सर थैंक यू कर दो कर दीजिए सॉरी रिसेप्शन का नंबर 9 परफेक्ट ठीक है गूगल लेंस स्कैन करके मेनू आ जाएगा ठीक है परफेक्ट डन थैंक यू सो मच सर थैंक यू सो मच कितना बड़ा है यहाँ पर बैठ के सेक्स करने में कितना मजा आएगा सोचो गाइस सॉरी मतलब सॉरी गाली देने वाला था बट कितना मस्त है मतलब खुला खुला समझ जाओ वो चीज करने में क्या मस्त है मैं पहली बार ऐसा बोल रही हूँ प्लीज गाइस डोंट माइंड एंड दिस इज अ नेचुरल थिंग आई एम सॉरी बट क्या दुनिया देखने को मिलेगी यहाँ पर ओह माय गॉड क्या मस्त है शिट यार सॉरी यार क्या फालतू की बातें कर रही हूँ आगे चलते ऐसे लगता है फ्रेंड के डिब्बा की तरह थोड़ा सा मुझे ऐसा फील हुआ वॉशरूम देखता है ओह माय गॉड व्हाट अ ब्यूटीफुल नाइस वॉशरूम मैं ये वॉशरूम देखी नॉट बैड पीस ओप्स अभी चलते हैं फटाफट तैयार होते हैं फटाफट तैयार होना है फटाफट 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 मामा फटाफट थक गया मैं फोन में बैटरी नहीं है तभी भी बोल रही हूँ बट अभी बस फिलहाल फटाफट तैयार होते हैं मामा देखो कितना अच्छा लग रहा है कितना अच्छा लग रहा है मैं इसलिए रेडी फॉर इवेंट्स मैंने ऐसे ऐसे पहना है ऐसे ठीक है अभी चलते हैं मेरे से कल तो आप लोगों को पता ही है कैसी होती हूँ मेकअप करने के बाद नथिंग स्पेशल अभी फटाफट फटाफट चलते हैं थोड़ा बी वाला हील्स लगाया उस वाले हील्स बहुत दर्द कर रहा था दिस इज फाइन दिस इज वेरी कंफर्टेबल टू यू नो वॉक करना दर्द भी नहीं होता है अभी चलते हैं ठीक है सी यू ऑन द डांस फ्लोर वाओ फाइनली बट इवेंट खत्म हो गई है क्राउड थोड़ी कम थी और मैंने थोड़ा अच्छा सा प्ले भी नहीं किया बट बिकॉज क्राउड थोड़ी कम थी मुझे वाइब्स मैच नहीं हो रही थी तो आज वैसे ऑलरेडी शिव यात्री जो भोले बाबा का चीज़ें है भोले बाबा के भक्त लोग वो थोड़ा सा क्राउड कम होने के कारण थोड़ा अच्छा नहीं गया बट आई ट्राई माई बेस्ट आई जस्ट होप सो सर मुझे नेक्स्ट टाइम अपॉर्चुनिटी दे दे तो मैं और आके फिर अच्छे से प्ले करूँ और अच्छे से उन सबको खुश कर पाऊँ और अभी मैं ऑलरेडी आ चुकी हूँ पैकिंग करना है कल सुबह मुझे 8 बजे निकलना है यहाँ से तो क्योंकि 9:45 आई हैव अ फ्लाइट सो मुझे निकलना होगा 8 बजे करीब यहाँ से तो अभी मैं कपड़े चेंज करती हूँ पैकिंग करती हूँ उसके बाद सोना है प्यारा सा बिस्तर मेरे को इंतज़ार कर रहा है यार अब मेरे को सोना है मस्त वाला है ना तो कंटिन्यू करते रहना अभी मैं और थोड़ा ब्लॉग बनाऊँगा क्योंकि अभी मैं कल मिलूँगा मेरे ख्याल से डीजे ओशन से हम एयरपोर्ट मिलने वाले हैं एंड देखते रहना प्लीज़ थोड़ा सा कंटिन्यू एंड थैंक यू सो मच प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल गाइस पीस एंड गुड नाइट हैप्पी 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 संडे एवरीबॉडी मॉर्निंग गाइस इट्स ऑलरेडी 11:30 एंड मेरे साथ जिंदगी में पहली बार ऐसा बकचोदी हुआ है कि आई मिस माई फ्लाइट मेरा फ्लाइट आई टोल्ड यू यस्टरडे अराउंड 9:45 आई हैव मैं सुबह 5 बजे करीब आँख ऐसे लग गई और मैं सो गई माई गॉड जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है मेरे साथ जो मैंने अपनी मिस आई मिस माई फ्लाइट और अभी मैं जा रही हूँ जल्दी जल्दी आई हैव कॉल टू माई फ्रेंड क्या ऑप्शन हो सकती है एंड ही सेड टू मी कि राइट नाउ जस्ट गो देयर एंड जस्ट टेल देम टू यू नो यही चीज़ें हुआ है तो मे बी होगा तो थोड़ा डिस्काउंट या समथिंग मिल जाएगा बिकॉज
अभी 2 बजे की फ्लाइट है एंड वेरी एक्सपेंसिव, वेरी वेरी एक्सपेंसिव. यू नो शॉर्ट टाइम पे फ्लाइट बुक करना है तो बहुत एक्सपेंसिव होता है, राइट? बट स्टिल आई हैव टू डू माई सेल्फ, तो देन एक्सपेंसिव लगता है. जब कंपनी की तरफ से यहाँ से उधर से आते हो तो इट फील लाइक यार इट्स ओके, बट खुद करो तो एक हो जाती है यार. इतनी इतना प्यारा नींद था और मैं सो गई यार, शिट हो गया मेरे साथ. मैं खुद शॉक्ड हूँ बट इट्स ओके, कोई बात नहीं. अभी जाते 2 बजे की फ्लाइट है, पकड़ के फिर घर चलते. प्लीज मैंने ना ब्रेकफास्ट खाया, प्यास लग रही है, पानी पीऊँगा और निकलूँगा. चीयर्स गाइस. प्लीज 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 फाइनली गाइस, मैं दिल्ली पहुंच चुकी हूँ. अभी मैं जा रही फिलहाल अपने घर. एंड जिंदगी में पहली बार फ्लाइट छूट के कैसा लग रहा है डूड, इट्स फील वेरी वेरी बैड बट इट्स ओके. मुझे आना है, मुझे घर जाना है तो जाना है, चाहे चाहे कुछ भी एक्साइटेड. और आँख लग गई तो बिकॉज मैं थक गई थी, इट्स ओके, हो जाता है. बट जल्दी हार बार उधर इधर से उधर कर करके फाइनली हो गया. एंड थोड़ी सी डिस्काउंट भी एंड सब कुछ मिल गया. और मेरे एक दोस्त था निर्माण, उसने जुगाड़ किया फिर मुझे अंदर जाने के लिए, मतलब मुझे लाइक यू नो टिकट्स मिला, वरना बहुत एक्सपेंसिव पड़ा था. निर्माण थैंक यू सो मच, उसके कारण से मैं आराम से और थोड़ी कम पैसे में, थोड़ी सस्ते में, थोड़ी डिस्काउंट में आ पाया, विच इज़ वेरी गुड. आई एम लकी एंड थैंक यू निर्माण वंस अगेन. एंड अभी घर पहुँच गई हूँ, अभी मैं जा रही हूँ अपने घर. अभी मम पापा लोग भी दार्जिलिंग में हैं और कल आ रहे हैं वो लोग, कल 2 बजे के फ्लाइट उन लोग भी. और मैं तब तक इस फाइनली अभी मम्मी पापा से मिलूँगी. और यप, फिर आते घर जाना है. थैंक यू सो मच गाइज, फ्लाइट मिस हो रहा है फील में, पता नहीं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ, समझ फिलहाल कुछ नहीं आ रहा है. बट थैंक यू, ऑल आई वॉन्ट टू से प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, खुश थी यार, मतलब कि आई एम गोइंग टू मीट अ डीजे ओशन, दैट्स व्हाई आई एम वेरी सुपर डुपर एक्साइटेड. क्योंकि वो आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम हम मिले नहीं थे, इसी बहाने सोचा कि मिल लेंगे. अब मैं सो गई, थक गई, अब मैं क्या कर सकता हूँ, बट ठीक है, फिर कभी मिलाऊंगी आप लोग से डीजे ओशन से. ओके गाइस, सो प्लीज़ गुड नाइट. अभी देखते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग पे, क्योंकि मैं नेक्स्ट सैटरडे को जा रही हूँ यहाँ से वाराणसी से, वहाँ पर क्लब नोवा है वहाँ पर. सो आई एम गोइंग देयर, तो ब्लॉग में था मुझे, देखते रहोगे प्लीज़ गाइस. सो सब लोग अपना ध्यान रखना एंड हैप्पी संडे.